नमस्कार, इंडिया फर्स्ट न्यूज में आपका स्वागत है। स्वच्छता में भोपाल को नंबर दो का तमगा दिलाने का दम भरने वाला नगर निगम भ्रष्टाचार में लेकिन नंबर वन है। धांधलियों का गढ़ बन चुका भोपाल नगर निगम अब कुत्तों की नसबंदी के नाम पर एक बार फिर 90 लाख की धांधली करने की तैयारी में है। आवारा कुत्तों की नसबंदी के नाम पर भोपाल नगर निगम एक बार फिर 90 लाख की धांधली करने की तैयारी में है। आरटीआई कार्यकर्ता अजय पाटीदार ने बताया कि किस तरह नगर निगम ने 2.5 करोड़ के स्थान पर कुत्तों की नसबंदी के लिए 1.60 करोड़ का टेंडर निकाला है और बाकी की राशि की बंदरबांट करने की तैयारी कर ली है। आरटीआई के तहत 30 मई 2018 को दी गई जानकारी के मुताबिक 2018-19 में कुत्तों की नसबंदी के लिए नियमों के मुताबिक 2.5 करोड़ का ठेका जारी किया जाना चाहिए था, लेकिन किया गया 1.60 करोड़ का। आरटीआई से मिली जानकारी के तहत जो टेंडर 2.5 करोड़ रुपए का होना था कुत्तों की नसबंदी को लेकर, नगर निगम भोपाल ने वो टेंडर आज 1.60 करोड़ रुपए का जारी किया है। यानी कि टेंडर में 90 लाख का अंतर है। बाद में सक्षम स्वीकृति का नाम देकर एनजीओ को लाभ पहुंचाने के लिए वो 90 लाख रुपए की पेमेंट भी नगर निगम के द्वारा कर दी जाएगी। और कुछ विगत दिनों से जो भोपाल में आवारा कुत्तों के आतंक की बात कही जा रही है, वास्तव में ये आवारा कुत्तों का आतंक नहीं, नगर निगम भोपाल का आतंक है, जिसके कारण आम जनता को परेशान होना पड़ रहा। गौरतलब है कि आवारा कुत्तों के आतंक से भोपाल के कई इलाकों के रहवासी त्रस्त हैं और रेबीज से मौत के मामले भी सामने आ चुके हैं। सवाल ये उठता है कि कुत्तों की नसबंदी का पैमाना क्या है और कुत्तों की नसबंदी कर उन्हें छोड़ा कहां जाता है। पशु प्रेमी विशेषज्ञों की माने तो संबंधित एनजीओ पैसा बचाने के लिए आवारा कुत्तों को जहां से पकड़ते हैं वहां ना छोड़कर उन्हें कहीं भी छोड़ देते हैं, जिससे कुत्तों की प्रवृत्ति में परिवर्तन आता है और वो हिंसक हो जाते हैं। इसके लिए साफ तौर पर नगर निगम जिम्मेदार है। इस बार भी नगर निगम ने शहर के 25,000 आवारा कुत्तों की नसबंदी के लिए टेंडर निकाला है, लेकिन यहां भी कहीं ना कहीं गोलमाल करने की फिराक में है नगर निगम। इधर नगर निगम भोपाल के पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर एस के श्रीवास्तव ने इस मुद्दे पे अपनी बात रखी। सर, ये जो 2.5 करोड़ की बात आ रही है कि 2.5 करोड़ का टेंडर जारी होना था और उसमें आपने आरटीआई में स्पष्ट लिखित में दिया है कि हमने जो लक्ष्य रखा है वो 25,000 कुत्तों की नसबंदी का रखा है, नसबंदी के लिए ही 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए, ये लिखित में देना और फिर 1.60 करोड़ का टेंडर ये विरोधाभासी ये जो हाँ, तो आगे जो होगा ना, जो उसमें जो 90 लाख का होगा उसमें ये नसबंदी और एंटी रेबीज वैक्सीनेशन साथ में प्रोग्राम चलते हैं। ये सालाना एक टेंडर जारी होता है, अलग अलग टेंडर जारी करने की क्या जरूरत है? उसका मतलब मकसद यही है। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि दोनों में थोड़ा सा अंतर समझिए। ये जो है 1,60,000, उसमें उसको सारी व्यवस्थाएं करनी है, ठीक है, उसमें उसको शेल्टर होम भी बनाना है, डॉग्स को रखना भी है, उसका ऑपरेशन का खर्च, ट्रांसपोर्टेशन का खर्च, सारी चीज़ें उसमें वो करनी है। लेकिन जो बाकी जब हम शेल्टर होम बना के देंगे तो वो खर्च हमको डिडक्ट करना पड़ेगा, नहीं तो वो ब्रीच हो जाएगा, उसमें हमारी तरफ से फॉल्ट हो जाएगा। इसलिए उसको थोड़ा सा कंडीशंस परिवर्तित करके कि हम आपको जगह दे रहे हैं, आप इसमें करिए, अब आप कितना रेट लेंगे, आप मतलब कोई भी जो भी पार्टिसिपेट करे उसके हिसाब से हमको। अभी 1.60 करोड़ का जो टेंडर हुआ है उसके बाद में नगर निगम जगह प्रोवाइड करेगा, वो हम प्रयास करेंगे कि यथाशीघ्र हो जाए उसमें। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया फर्स्ट न्यूज, भोपाल। फ्यूचर ऑफ मीडिया इज डिजिटल टेलीविजन। इंडिया फर्स्ट मोबाइल न्यूज में सबसे आगे है। सोशल मीडिया के सभी प्लेटफॉर्म पर इंडिया फर्स्ट, सटीक एक्सक्लूसिव और डिजिटल पिक्चर क्वालिटी। इंडिया फर्स्ट आपको रखता है हर वक्त अपडेट। तो जुड़िए डिजिटल न्यूज के आधुनिक संसार से, जुड़िए इंडिया फर्स्ट से। सब्सक्राइब नाउ indiafirst.online।